अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज के क्लास लेक्चर में हम मॉडलिंग टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्पेशल डेटा मॉडलिंग के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन की है। जनरल डेटा मॉडलिंग और स्पेशल डेटा मॉडलिंग की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमने डिस्कस किया है। डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेजेस हैं डेटा मॉडलिंग की। स्पेशल डेटा मॉडलिंग की डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जिसके जरिए जिसके अंदर स्पेशल डेटा मॉडलिंग और सिंपल जनरल डेटा मॉडलिंग जो है वो की जाती है। आज हम डेटा मॉडलिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऑनलाइन अवेलेबल टूल्स हैं, कुछ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए आप स्पेशल डेटा मॉडलिंग या डेटा मॉडलिंग जो है वो कर सकते हैं। स्पेशल डेटा मॉडलिंग के लिए यूजली आर्क जी आई एस सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ करते हैं, बिकॉज आर्क जी आई एस सॉफ्टवेयर जो है वो जी आई एस की फील्ड के अंदर एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। समटाइम्स हमें एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के जरिए डेटा मॉडलिंग जो है वो करना पड़ती है, उसके डेटा को फिर हम आर्क जी आई एस के अंदर लेके आते हैं। सिमिलरली कुछ ओपन सोर्स टूल्स हैं, जिस तरह से क्यू जी आई एस एक बहुत पॉपुलर ओपन सोर्स टूल है, ग्रास जी आई एस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सागर जी आई एस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, उसके बाद लॉजिकल डेटा मॉडलिंग, फिजिकल डेटा मॉडलिंग, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनके लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन टूल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ डेस्कटॉप टूल्स के ऊपर भी बात करेंगे। जो ऑनलाइन टूल सबसे पॉपुलर ऑनलाइन टूल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम है लूसिड चार्ट्स। lucidchart.com की वेबसाइट पे आप जाएं, ये आपके सामने लूसिड चार्ट की वेबसाइट जो है ये ओपन है। लूसिड चार्ट एक ऑनलाइन टूल है जो कि कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस ऑनलाइन टूल के साथ कंसेप्चुअल डेटा को मॉडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसका एक प्रोजेक्ट लेआउट बनाने के लिए आप लूसिड चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूसिड चार्ट के इंटरफेस को, इसके वेब इंटरफेस को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको इसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। आपको इसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाएं और इसके अंदर लॉग इन करें। कुछ फ्रीली अवेलेबल फीचर्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर जिसके जरिए आप अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप किसी जी आई एस के प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं तो सबसे पहली स्टेज आपकी कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल के अंदर आपने अपने पूरे प्रोसेस को डायग्राम करना है, पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है एक डायग्रामेटिक फ्लो के जरिए, या आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट आपने क्रिएट करना है जिसमें आपकी आपके पूरे प्रोसेस का हर एक स्टेज जो है वो एक्सप्लिसिटली इसके अंदर दी गई हो। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए आपको आप सिंपली पेपर पेंसिल के ऊपर भी, पेपर पेंसिल से भी काम कर सकते हैं, वाइट बोर्ड के ऊपर भी इस पे काम किया जा सकता है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग करते हुए। लेकिन इसका प्रोसेस ये है कि जी आई एस एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, हर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो और जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वॉल्व हैं, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक पूरा लायहमल बनाते हैं, पूरी एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि जिस स्ट्रेटजी के अंडर उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। प्रोजेक्ट को बनाने से पहले प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल लिखा जाता है। इस पर ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें जीआईएस का काम इन्वॉल्व है, जीआईएस के जरिए आप जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसमें जीआईएस इन्वॉल्व है या रिमोट सेंसिंग इन्वॉल्व है, तो उस प्रोजेक्ट के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट की एक स्ट्रेटजी जो है उसको चॉक आउट करते हैं।
आप इसको सिंपली व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी चॉक आउट कर सकते हैं, आप इसको पेपर पेंसिल पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल हैं, कुछ डेस्कटॉप टूल्स भी अवेलेबल हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर टूल है। इसके अलावा कुछ और डेस्कटॉप टूल्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले जो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं इनके ऊपर हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लूसिड चार्ट एक ऑनलाइन टूल है। इस टूल को के इंटरफेस को आप देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको न्यू का बटन आप नज़र आ रहा है, इससे आप एक न्यू चार्ट जो है उसको क्रिएट करते हैं। ये आपकी होम विंडो है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके अंदर क्रिएट किए हैं, और कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स में वो एक बहुत अच्छा एक अच्छा हेल्पफुल टूल है कि जिसमें ऑलरेडी कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, उन डायग्राम्स को भी हम ले सकते हैं, उनसे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि जिनकी मदद से हम अपना एक फ्लो चार्ट या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम जो है कॉन्सेप्चुअल मॉडल की डायग्राम वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें। फ्लो चार्ट्स अवेलेबल हैं, एक्सक्यूज मी, कुछ फ्लो चार्ट्स आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ के लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी, उनको परचेज करना पड़ेगा, बट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। फ्लो चार्ट्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल फ्लो चार्ट्स हैं और कुछ प्रीमियम अवेलेबल फ्लो चार्ट्स हैं, तो आप इन फ्लो चार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स के अलावा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लाइक वर्क रिमोटली, बिल्ड फ्लो चार्ट्स, प्लान एंड ट्रैक प्रोजेक्ट्स, विजुलाइज टेक्निकल सिस्टम्स, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, तो इसके लिए आप डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स हैं इनको बना सकते हैं। डेटाबेस की डायग्राम्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन को आप यहाँ पे पहले कॉन्सेप्चुअली ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको लॉजिकल डेटा मॉडल के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग का पहला जो फेज है वो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल के बाद लॉजिकल डेटा मॉडल है। आपके कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल की बुनियाद पे आपका लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट होता है, और उस लॉजिकल डेटा मॉडल की बुनियाद पे आप फिर अपना एक फिजिकल डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं। फिजिकल डेटा मॉडल उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसको GIS के अंदर हम डेटा मॉडल को क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्चुअल डेटा जो है कॉन्सेप्चुअल मॉडल को हम डेवलप करते हैं। ArcGIS के अंदर कॉन्सेप्चुअल मॉडल को क्रिएट करने का कोई ऐसा फीचर मौजूद नहीं है, इसलिए हमें GIS से हटके थोड़ा से दूसरे टूल्स के ऊपर जो है वो इन्हिसार करना पड़ता है। इसके अलावा माइंड मैप्स, ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम के लिए माइंड मैप्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं, क्लाउड आर्किटेक्चर है, सिस्टम डायग्राम्स हैं। लूसिड चार्ट ऐप के साथ साथ एक और बहुत अच्छा ऑनलाइन टूल है जिसका नाम है processon.com। processon.com की वेबसाइट पे आप जाएं तो processon.com की वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे भी इसी तरह से आपको डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए आपको टूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको माइंड मैपिंग के टूल्स यहाँ पे आपको उसके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, आप कोई सा भी ऑनलाइन टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन कॉन्सेप्चुअल डायग्राम के बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं प्रोसेस ऑन की वेबसाइट में, ये भी लूसिड चार्ट्स की तरह ही है। यहाँ पे आप अपनी
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या अपने डेटाबेस का स्कीमा जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटाबेस का एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पर कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, ड्राइंग टूल्स हैं। इन ड्राइंग टूल्स को आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्राइंग टूल्स को आप यहाँ पे रखते हैं और इन ड्राइंग टूल्स को एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल की सूरत में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेटाबेस का साइन है, इसी तरह से ये कुछ प्रोसेस के साइन है, प्रोसेस के अलावा ये डॉक्यूमेंट का साइन है और इनको हम डिफरेंट कनेक्टर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको सिर्फ इसकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के लिए एक जो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है उसको हम बाद में बनाना सीखेंगे, उसकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे कि किस तरह से हमें GIS के प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो किस तरह से हम डेवलप करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, ये बहुत हैंडी टूल है प्रोसेस ऑन। सिमिलरली जो लूसिड चार्ट की ऐप है, लूसिड चार्ट की ऐप जो है ये भी बहुत एक हैंडी किस्म का टूल है। इसमें भी इसी तरह से आपको टूल्स मिल जाएंगे। इन टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इस नए डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपको जिस तरह से प्रोसेस ऑन के अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट ड्राइंग टूल्स हैं, सिमिलरली सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप इन ड्राइंग टूल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपको ये डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल शेप्स नज़र आ रही हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं लूसिड चार्ट के अंदर उन ज्योमेट्रिकल शेप्स की एक पास नाम लिखा हुआ है। स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है तो ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये जो डायमंड शेप है ये आपको डिसीजन के लिए ये डायग्राम यूज हो रही है। टर्मिनेटर के लिए आपके पास ये ओवल है। प्री डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, ये डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस का क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं ये किसी एक प्रोसेस के लिए मखसूस डायग्राम्स हैं वो हैं। फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क के लिए है, इंटरनल स्टोरेज वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट आपके पास में ये फीचर्स मौजूद हैं, डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज कर सकते हैं और इसी तरह से आप इनको इनके रिलेशनशिप को यहाँ पे मॉडल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है ये कॉन्सेप्चुअल है। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जो है उसका बनना ज़रूरी है प्रोजेक्ट के लिए। उसकी रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट का एक फ्लो चार्ट जब तक नहीं बनेगा उस वक्त तक आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है या आपकी टीम के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना जो है मुश्किल होगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पहले से डॉक्यूमेंट करना पड़ती है। ओके ठीक है। ये टूल्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे बाद में किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जो टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन और डेस्कटॉप टूल्स उनके ऊपर उनका रिव्यू करेंगे। ऑनलाइन टूल्स के साथ साथ कुछ डेस्कटॉप टूल्स अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है लेकिन वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है और उसको आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है वो, उसके लिए आपको या तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर की या आपको क्रैक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। यूजुअली हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चूँकि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, हम ज़्यादातर क्रैक सॉफ्टवेयर जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पे आपको टॉरेंट के ज़रिए डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी पीयर टू पीयर इंटरनेट से आप इसको ले सकते हैं। गूगल ड्राइव के ऊपर आपको ये मिल सकता है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विजियो।
इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं, उनका नाम है कॉन्सेप्ट ड्रॉ। कॉन्सेप्ट ड्रॉ ये भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट ड्रॉ को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर ये तीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं ये इंस्टॉल हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट ड्रॉ, कॉन्सेप्ट ड्रॉ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट ड्रॉ माइंड मैप। ये तीन डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर भी इसी तरह से जैसे ऑनलाइन टूल्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, सिमिलरली इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी ये रेडीमेड आपको जो है ना ये कुछ फीचर्स मिलेंगे जिनके जरिए आप अपनी एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम जो है या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को आप यूज कर सकते हैं। इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से इनके अंदर जो कनेक्टिविटी है एक फीचर की दूसरे फीचर के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको भी क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह बहुत से टूल्स आपको अवेलेबल है, इन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट जो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग का जो प्रोसेस है उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कुछ जो डेस्कटॉप टूल्स अवेलेबल है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द अवेलेबल टूल्स। थैंक यू वेरी मच।